गाइज, मैंने अपने पिछले वीडियो के माध्यम से एग्जिट एग्जाम जो कि समूचे भारतवर्ष में डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों के लिए होना है के बारे में जानकारी दी थी। उससे संदर्भित आप सभी के माध्यम से दो बहुत कॉमन क्वेश्चंस थे। पहला ये कि क्या ये एग्जिट एग्जाम बी फार्मेसी के छात्रों के लिए हो है, और दूसरा कि ये एग्जिट एग्जाम कब होगा। तो उत्तर ये था कि बी फार्मेसी के छात्रों के लिए एग्जाम नहीं है, सिर्फ ये डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों के लिए है। और दूसरा कि उस समय पर यह कोई अपडेट नहीं थी कि ये एग्जाम कब होगा, लेकिन अब आज ऑफिशियली 18 अगस्त 2022 दिन है गुरुवार को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक सर्कुलर के माध्यम से इस पर अपडेट प्रकाशित हो चुका है। पीसीआई ने, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मार्च मंथ और जुलाई मंथ 2022 को दो सर्कुलर पास किए थे रिगार्डिंग एग्जिट एग्जामिनेशन, लेकिन उसमें डेट का कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इस सर्कुलर के माध्यम से पीसीआई ने ये ऑफिशियली डिक्लेयर किया है कि एग्जिट एग्जामिनेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी के छात्रों के लिए नवंबर मंथ में होने की पूरी संभावना है, यानी कि होगा ही। बाकी एग्जाम का सिलेबस डिटेल्स ऑलरेडी ये सब प्रकाशित थी, लेकिन जो एग्जैक्ट तारीख है, तिथि है जो एग्जामिनेशन की, और जो केंद्र रहेंगे, परीक्षा केंद्र यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर, इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी सूचना ऑफिशियली जल्द ही पीसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। मैंने कहा पिछले उसमें दो वीडियोस को जो रिलीज किया था उसमें एक वीडियो ये थी कि इस बारे में कि एग्जैक्ट एग्जामिनेशन क्या है, इसकी अनिवार्यता क्या है और क्यों होना चाहिए, और दूसरी एक ये वीडियो थी जिसमें मैंने ये डिटेल बताई थी कि एग्जैक्ट एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से इसका संचालन होगा, क्या एग्जामिनिंग अथॉरिटी रहेगी इत्यादि वगैरह। ये दोनों ही वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। बाकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका भी लिंक मैं इस वीडियो में दे रहा हूं, आप वहां भी जाके चेक कर सकते हैं। तो समूचे भारत में जितने भी डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र हैं वो अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें, बाकी टेंशन बिल्कुल ना लें। अच्छी खबर यह है कि एग्जामिनेशन को कैसे क्रैक करना है, कैसे आप उसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसके लिए स्टडी मटेरियल कैसे पढ़ें, कैसे मॉक टेस्ट लें ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, इससे संदर्भित पूरी जानकारी मैं चैनल के ऊपर जल्दी ही लेकर के आऊंगा। इसलिए प्लीज स्टे अपडेटेड ऑन वीपी मंत्रा। बस ये छोटा सा क्विक वीडियो था गाइस, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर एंड गुड लक।